हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Realme GT 5 Pro Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फ़ोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, उसके बाद में आपको कुछ और भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो हमेशा जो है आपको अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला जो ओरिजिनल चार्जर होता है उसे ही आपको यूज़ करना है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फोन के चार्जर को यूज करते हैं फोन को चार्ज करने के लिए, इससे हमारा फोन जो है वो स्लो चार्ज होता है, क्योंकि देखिए दूसरे मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है वो हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो आपको अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल नहीं करना है। काफी सारे लोग जो है अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपका मोबाइल फोन जो है वो स्लो चार्ज होने लगता है, ठीक है ना। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको कुछ और भी सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का एक बार सिस्टम चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है? देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन होता है, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में टाइप करना है सिस्टम अपडेट, तो आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में लेकर आ जाएगा। आपको इस पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है, इससे आपके फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है जहां पर आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर के प्लग को कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ, तो आपके मोबाइल फोन का जो चार्जिंग पोर्ट होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। दोस्तों होता ऐसा है कि हम अपने फोन को रेगुलर यूज करते हैं तो चार्जिंग पोर्ट के अंदर जो है वो धूल मट्टी चिपक जाती है, ठीक है ना, तो उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है हाथों से, नहीं तो चार्जिंग पोर्ट के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, मोबाइल फोन का चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल ही खराब हो सकता है। आपको उसे हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। फोन को रीसेट करने के लिए आप फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड में ना ये ऑप्शन मिलता है आपको सर्च आइकन का, ये वाला ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का सेटिंग पेज में, इसे आपको टैप करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च बार में टाइप करना है रीसेट ऑप्शन, ठीक है। रीसेट ऑप्शन आपको टाइप करना है तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन शो हो जाएगा। रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है तो आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट ऑप्शन के इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे आपको टैप करना है। तो रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका मोबाइल फोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे प्रोसेस अगर आप यूज करेंगे मेरे बताए हुए तो आपके मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों मेरे बताए हुए सारे ये प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा जो आपके एरिया के आसपास होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन जितने भी प्रोसेस आपको बताए हैं ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।